हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जेड के पेपर 2020 का रिव्यू करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के क्वेश्चन का रिव्यू करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सब्जी सोलानेसी वानस्पतिक कुल की है? इसका सही आंसर है बैंगन। दूसरा क्वेश्चन है, लवणीय मृदा को सुधारने हेतु निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है? इसका सही आंसर है तीन, लीचिंग। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? इसका सही आंसर है चार, बीकानेर। चौथा क्वेश्चन है, स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाज़ा कौन सी दिशा में नीचे की तरफ लटकते हुए खुलता है? इसका सही आंसर है उत्तर। पाँचवा क्वेश्चन है, जलवायु शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? इसका सही आंसर है पहला, ग्रीक। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खेती है जहां किसान फसलों को उगाने के लिए कोई सिंचाई की नहीं करता और केवल वर्षा पर ही निर्भर रहता है? इसका सही आंसर है फोर रेनफॉर्ड रेनफेड खेती। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शरद ऋतु की फसल है? इसका सही आंसर है तीन, चना। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल के दानों से गम या गोंद पैदा होता है? इसका सही आंसर है थ्री, ग्वार। अगला क्वेश्चन है नवा, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है पहला, भोपाल। दसवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका सही आंसर है पहला, प्लांटेशन फसल चावल। ग्यारहवां क्वेश्चन है, गाजर घास है तो ये एक खरपतवार है। बारहवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस नत्रजनी युक्त उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्व की तुलना में द्वितीयक पोषक तत्व अधिक होता है? इसका सही आंसर है दूसरा, अमोनियम सल्फेट। तेरहवां क्वेश्चन है, एक ही ऋतु में एक साथ गेहूं प्लस चना की फसल बिना अलग अलग कतार में बोने को कहते हैं? इसका सही आंसर है पहला, मिक्सड क्रॉपिंग या मिश्रित फसल। चौदह क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक लघु दिवस वाला पौधा है? इसका सही आंसर है थ्री, चावल। पंद्रह क्वेश्चन है, प्राइड ऑफ इंडिया निम्न में से किसकी उन्नत किस्म है? इसका सही आंसर थ्री, पत्ता गोभी। सोलह क्वेश्चन का सही आंसर है थ्री, 47। सत्रहवा क्वेश्चन है, निम्न तरीकों में से कौन सा तरीका है जो ज़्यादा दरांग में मिट्टी के कटाव को कम करता है? इसका सही आंसर है थ्री, ट्रेस कल्टीवेशन। अठारहवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा में सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है? इसका सही आंसर है फोर, क्ले या मृतिका। उन्नीसवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व धनायन व ऋणायन दोनों के रूप में पौधों अवशोषित करते हैं? इसका सही आंसर है पहला, नाइट्रोजन। बीसवा क्वेश्चन है, इसबगोल का वनस्पतिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है दूसरा, प्लांटेगो ओवेटा। इक्कीसवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पपीते की किस्म है? इसका सही आंसर है पहला, पूसा नन्ना। बाईसवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब नहीं है? इसका सही आंसर है दूसरा, राइजोबियम। तेईसवां, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका सही आंसर है दूसरा, शकरकंद चिनोपोडियासी। चौबीसवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खरपतवार बुआई के बाद अंकुरण से पहले प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है दूसरा, पेंडिंग मिथालिन। पच्चीसवां क्वेश्चन है, मैग्नीज की विषाक्तता होने से पौधे में कौन से पोषक तत्व की मात्रा कम होती है? इसका सही आंसर है कैल्शियम। छब्बीसवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा फसली पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है? इसका सही आंसर है बायो फोर्टिफिकेशन। सत्ताईसवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल का मूल स्थान भारत नहीं है? इसका सही आंसर है जर्सी। अट्ठाईसवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिंचाई की विधि सूखे क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त होती है? इसका सही आंसर है बोछार सिंचाई विधि। उनतीसवां क्वेश्चन है, क्रैकिंग किस प्रकार की मिट्टी की सामान्य विशेषता है? इसका सही आंसर है ब्लैक सॉइल। तीसवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका सही आंसर है NRCSS। इकतीसवां क्वेश्चन है, निरपेक्ष आर्द्रता को किसमें दर्शाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ग्राम प्रति घन सेमी। बत्तीसवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? इसका सही आंसर है पहला, लोहा या आयरन। तैतीसवां क्वेश्चन है, लाइकेन किस वायु संदर्शक के प्रति संवेदनशील होते हैं? इसका सही आंसर है दूसरा, SO2। चौतीसवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर है तीसरा, मीट। 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तनाव हार्मोन है? इसका सही आंसर है दूसरा, ABN। 36वां क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा कृषि यंत्र प्राथमिक भू परिष्करण के नाम काम आता है? इसका सही आंसर तीसरा डिस्क प्लाउ या डिस्क हल। 3700 क्वेश्चन है, ग्लेडियोलस का व्यावसायिक प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है पहला घनकंद। 38वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिट्टी बनने का कारक है जिसमें ऊंचाई और ढलान मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हैं? इसका सही आंसर है तीसरा रिलीफ। 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फल अवले या जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका सही आंसर तीसरा गवावा। 40वां क्वेश्चन है, मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने और पशुओं के पालने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है फार्मिंग या खेती। आई होप दोस्तों आज का मेरा पेपर का रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री का रिव्यू हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।